जैन साथियों, रोजगार विद पिंकी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम फिर हाजिर हैं एक स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिक जीके में भारत और उसके पड़ोसी देश, उसकी मैंने आपको पहली क्लास और दूसरी क्लास करा दी है और उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने हमारी भारत और उसके पड़ोसी देशों की पहली क्लास और दूसरी क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उन दोनों क्लासों को देख लें ताकि ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कोई भी क्लास आप बीच में से लोगे तो हो सकता है कि आपके 90% समझ ना आए। तभी समझ आएगा जब आप किसी भी टॉपिक को शुरू से और उसको विस्तार से पढ़ोगे। तो इसके ऊपर जो हमारा टॉपिक चल रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश, इसकी मैंने दो क्लास ऑलरेडी बना चुका हूँ और उनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारी क्लास है तीसरी और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत और उसके पड़ोसी देश में चीन और पाकिस्तान। इन दो देशों के बीच आज हम बात करने वाले हैं, भारत और के जो चीन और पाकिस्तान, ये दो पड़ोसी देश हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास दो में आपके लिए बांग्लादेश के बारे में पूरा समझाया था कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भारत के साथ क्या संबंध है उसके, और उसकी पहली क्लास में भारत से सामान्य चीज़ें बताई थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे चीन और पाकिस्तान के बारे में, यानी कि चीन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ के भारतीय एग्जामों में आते हैं और पाकिस्तान से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी समय समय पर आपके को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में, उसके बाद मैं बात करूँगा पाकिस्तान के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है चीन भारत का पड़ोसी देश है, इसीलिए हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चीन हमारा भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। तो इसका अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तीसरा स्थान पूरे विश्व लेवल में, अगर चीन की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है आपका चीन। ठीक है, पहले नंबर पे आपका रूस आता है, दूसरे पे आपका कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चीन। और हम भारत की बात करें तो हमारा भारत कौन से स्थान पर है? सातवें स्थान पर। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत हमारा सातवें स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। अब इसके अंदर राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो राज्यों की संख्या 23 है चीन के अंदर। जैसे हमारे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार चीन में 23 राज्य हैं। इसी प्रकार राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है? बीजिंग। बीजिंग क्या है? राजधानी है किसकी? चीन की। चीन की राजधानी, जिस प्रकार हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है जिसको NCR में बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार जो चीन की राजधानी है वो आपकी बीजिंग है। अब यहाँ की मुद्रा की हम बात कर लेते हैं, मुद्रा तो इसकी मुद्रा है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये रेनमिनबी। इसकी मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। जैसे भारत में मुद्रा क्या है? रुपया। उसी प्रकार चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। इसकी सीमा की अगर हम बात करें तो 14 देशों के साथ, चीन एक ऐसा देश है जो 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसे भारत कितने देशों के साथ करता है? 8 देशों के साथ। उसी प्रकार चीन कितने देशों के साथ साझा कर रहा है? 14 देशों के साथ। 14 देश ऐसे हैं जो चीन के पड़ोसी हैं और चीन के साथ उनका बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम टू द पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपरों में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका चीन के साथ सीमा को साझा करने वाले राज्य। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहले जो थे 5 राज्य थे, अब क्या है इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले उन दो को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग भाग कर दिए और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब जो सीमा लगती है उसमें एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश लगता है लद्दाख, चीन की सीमा किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ। और 4 आपके इसमें राज्य हैं जिसमें पहले नंबर पे आपका हिमाचल, दूसरे पे आपका उत्तराखंड, तीसरे पे आपका सिक्किम और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों की सीमा जो भारतीय राज्य हैं इनकी सीमा किससे लगती है? चीन के राज्य के साथ, चीन के साथ लगती है। अब बात कर लें इसकी राष्ट्रीय भाषा की, तो इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? इसकी राष्ट्रभाषा है मंडारिन, जो कि भारत में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और ये चीन की भाषा है मंडारिन। यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा हमारी राज्य भाषा जो है वो हिंदी है, उसी प्रकार यहाँ की भाषा मंडारिन है। और जैसा कि मैंने आपको राज्य बताए तो बॉर्डर की भी अगर हम बात करें, बॉर्डर एरिया जो कि हमारा है ये कितना है? 3400 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। यानी कि भारत और पाकिस्तान चीन की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं विश्व का सबसे लंबा पुल। देखिए, पूरे विश्व में सबसे लंबा जो पुल है जिसका नाम गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में आता है वो है डैन याग कूनसांग ग्रैंड पुल। कौन सा? डैन याग कूनसांग ग्रैंड पुल।
ये क्या है आपका, ये चीन का पुल है, चीन में है और ये विश्व का सबसे लंबा पुल है। इसके बाद चीन की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोमो लंगमा, इसको हम माउंट एवरेस्ट भी बोलते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, जैसा कि हम बोलते हैं कि नेपाल में पड़ती है, हाँ नेपाल में पड़ती है, लेकिन उसका कुछ भाग क्या है तिब्बत में आता है। तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का। तो ये चीन की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है ही। अगर चीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि चीन की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तब भी यही आएगा। चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट कोमो लंगमा। और इसको भारत में और नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर इसके राष्ट्रपिता की बात करें, जो चीन के राष्ट्रपिता, जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। उसी प्रकार चीन के राष्ट्रपिता कौन है? चीन के राष्ट्रपिता है सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता का नाम है सन यात सेन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अब आप चौंकेंगे कि भाई दूसरा स्थान कैसे, चीन में प्रथम स्थान पर है चीन तो? नहीं, ये चीन प्रथम स्थान पर था लेकिन अब नहीं है। अभी आपने अगर यूएन की रिपोर्ट देखी हो तो यूएनओ की रिपोर्ट के तहत भारत पहले स्थान पर आ गया है। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में, चीन को पीछे करते हुए। तो चीन अब दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर यहाँ कौन हो गया? भारत। तो विश्व में दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? आपका चीन। भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, उसको नाम दिया गया है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। जैसा कि आपको दिखाई दे रही हो, ये लिखा हुआ है मैकमोहन रेखा। और ये कब हुई थी, इसका नाम कब निर्धारित किया गया था? तो ये एक समझौता हुआ था चीन के और भारत के बीच, जिसका नाम है शिमला समझौता। शिमला समझौता के तहत हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है चीन और भारत के बीच, उसका नाम क्या पड़ा? मैकमोहन रेखा। अब इसके राष्ट्रीय पशु की अगर बात कर लें, चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राष्ट्रीय पशु है ज्यांग पांडा। और राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है जिंको। और राष्ट्रीय पक्षी सारस, लाल सारस, जिसकी लाल चोंच होती है और यहाँ लाल तिलक लगा होता है, उसको बोलते हैं लाल सारस। और इसका फल की अगर बात करें तो फल की भी, जो कि हमारा प्लेटलेट्स कम होने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फल है कीवी, वो कहाँ होता है? चीन में। और ये चीन का राष्ट्रीय फल भी है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है आपका क्या? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो ये चीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। इन्हीं में से हमारे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत और भारत उसके पड़ोसी देश के टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनता है उसके पड़ोसी देशों से, तो इन्हीं में से बनता है। या तो उस देश की मुद्रा पूछ लेगा किसी पड़ोसी देश की, या उस पड़ोसी देश की राजधानी, या राष्ट्रीय चीज़ें, उसके राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यही चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं। और इससे ज़्यादा कुछ अदर देशों से नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक आपको करा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है।